इसको बोलते हैं, ये जो हमने बताया था ये फ्यूज, ये देखिए फ्यूज है, इसको बोलते हैं फ्यूज, आपको दिख रहा होगा फ्यूज, ये जो कि ये सीमेंस का है, और कितने एम्पेयर का है, 6 एम्पेयर का है, आपको दिख रहा होगा 6 एम्पेयर का है, और कितना वोल्ट तक काम कर सकता है, देखिए 500 वोल्ट तक काम कर सकता है, और इसका जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है 120 किलो एम्पेयर है। इसका जो स्पेसिफिकेशन है इसके लिए रिगार्डिंग मैं दूसरा एक वीडियो बना दूंगा, ऊपर में आई बटन भी दबा के वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे हम इसके लिए डिस्क्रिप्शन में अलग वीडियो बना देंगे। तो मेन चीज़ क्या है, हमको देखना है एक्चुअली प्रैक्टिकल में क्या होता है। जो फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ ये कौन टाइप का, ये कौन सी टाइप का फ्यूज़ है, ये भी आप कमेंट बॉक्स से टाइप कीजिए। अगर आपको नहीं पता है ये कौन सी टाइप का फ्यूज़ है, ये भी आप कमेंट बॉक्स से टाइप कीजिए। अगर नहीं आता है तो मैं भी बता दूंगा, वो वाला नहीं तो वो वाला वीडियो देखिएगा जो टाइप्स ऑफ उसका नाम है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा, नहीं तो आप ऊपर में आई वाला जो बटन है वहाँ पे देख के आप चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका फ्यूज़। फ्यूज़ के बाद आपका क्या आता है, देखिए कॉन्टैक्टर। कॉन्टैक्टर कैसे होता है, ये हो गया आपका कॉन्टैक्टर। कॉन्टैक्टर दिख रहा है, कॉन्टैक्टर का भी अलग अलग स्पेसिफिकेशन आता है। यहाँ पे आपका जैसे ये जैसे स्नाइडर का है, कौन सा कंपनी का है, स्नाइडर का है, आपको दिख रहा है। और कितना इसका करंट कैपेसिटी है, करंट कैपेसिटी यहाँ पे आप देख सकते हैं, करंट का जैसे कैपेसिटी है 32 एम्पेयर का दिख रहा है आपको, और ये भी 220 वोल्ट में भी चल सकता है और 440 वोल्ट में भी चल सकता है, ठीक है। और कॉन्टैक्टर का जैसे कि बताया था हमने, ये देखिए A1 और A2 बताया था हमने, A1 और A2, A1 A2 कैसे मिलेगा आपको, यहाँ पे देखिए A1 और A2 दिख रहा है आपको, क्या नहीं दिख रहा है आपको, देखिए थोड़ा सामने देखे पता चल जाएगा, देखिए ये है A1 और ये हो गया A2, ये जो हो गया कॉयल, इसके अंदर एक कॉयल है, इसके अंदर कॉयल है, कॉयल में सप्लाई देने के लिए A1 और A2 रहता है, तो A1 और A2। और उसके बाद क्या रहता है हमारा, वोइलर। वोइलर मतलब हो गया ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले मतलब क्या होता है, ये देखिए रिले, ओवरलोड बोलते हैं इस ओएलआर, इसको ओवरलोड रिले बोलते हैं। मतलब इसको रिले क्यों लगाते हैं, मोटर लोड प्रोडक्शन के लिए। ओवरलोड नाम से आपको पता चल रहा है, लोड अगर ओवर हो रहा है तो ये प्रोटेक्शन देगा। कितना प्रोटेक्शन देगा, यहाँ पे आपका सेटिंग है, ये सेटिंग भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 5.5 एम्पियर टू 8 एम्पियर इसका रेंज है, और कहाँ पे सेटिंग है आपका, देखिए 6 एम्पियर पे सेटिंग है। क्यों हम बता रहे 6 एम्पियर, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे देखिए एक एरो टाइप का दिया हुआ है, दिख रहा है सफ़ेद टाइप का एक एरो टाइप का दिख रहा है, ये एरो जहाँ पे फिक्स है मतलब ये 6 एम्पियर पे सेट है। तो और कुछ नहीं, और एक जो बताया था हमने, जैसे कि ओइलर का हमने NC कॉन्टैक्ट लिया है, ओइलर का देखिए चार बहुत सारे कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे देखिए दो कॉन्टैक्ट है, 97 98 कॉन्टैक्टर को जो नाम है, 95 और 96 को देखते हैं, लिखा है देखिए NC, और 97 98 यहाँ पे देखिए लिखा है NO। तो इसका मतलब हमने बता ही दिया, यहाँ पे देखिए आप ड्राइंग पे देखिए देख सकते हैं, ओइलर का NC हमने लिया था। क्यों लिया था ये भी हमको बाद में बता देंगे, ये भी आपको पता चल गया होगा, हमने बता ही दिया है क्यों लिया है हमने। तो यहाँ पे ये वाला ये लो 95 NC, और ये जो कॉन्टैक्टर का जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट लिया था, जिसको हम होल्डिंग कॉन्टैक्ट बोल रहे थे, वो कहाँ है वो भी देख सकते हैं हम। ये जैसे कॉन्टैक्टर है, ये देखिए 21 और 22 दिख रहा है आपको, 21 और 22 देखिए साइड में लिखा भी है NC, और देखिए 13 और 14 इसको बोलते हैं हम NO, मतलब NO नॉर्मली लिखिए कमेंट बॉक्स पे, जो कि स्नाइडर का है। यहाँ से भी हम हमारे कौन सा काम में आता है, 95 और 96 सॉरी यहाँ पे 21 और 22 NC हम यहाँ पे यूज करेंगे। और आपको जैसे क्लैंप मीटर सॉरी आपको अगर सर्किट में करंट आपको मेजर करना है, इसको हम अभी बाहर रख देते हैं। अगर आपको इसको करंट मेजर करना है, करंट कैसे मेजर करोगे, जैसे कि इस सर्किट में कैसे करंट है, जैसे मोटर का कितना करंट जा रहा है, आप करंट मेजर कैसे करोगे, किसी सर्किट में एक जगह आप एमीटर रख दोगे, एमीटर यहाँ पे रख दोगे। जैसे कि हमको आर फेज का सप्लाई करंट चेक करना है, ये आर फेज है, ऐसे आर फेज है, यहाँ पे अगर एमीटर लगा देंगे हम, जैसे कि नॉर्मली हम एमीटर लगा देंगे, तो आर फेज का हमको सप्लाई का जो कितना करंट ड्रॉ कर रहा है मोटर, वो भी पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, आपको एक एमीटर का एक प्रैक्टिकली दिखाते हैं एमीटर का कैसे काम करता है।
देखिए नॉर्मली ये कौन सा क्या एमीटर आपको दिख रहा है, क्या एमीटर है जिसका रेंज है 0 to 30 एम्पियर, और इसको देखिए टर्मिनल है, ये देखिए दो टर्मिनल है, दो टर्मिनल देखिए, यहाँ पे एक टर्मिनल हमने लिया था, यहाँ पे इसको सीरीज में लगा देंगे। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है, एमीटर हमेशा सीरीज में लगते हैं, गलती से अगर उसको पैरेलल में रखेंगे तो दिक्कत हो सकता है। तो एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत जीरो होता है, इनफिनिट जीरो, टेंस टू जीरो, जितना जाएगा अगर जीरो करना है तो टेंस टू जीरो। और वोल्ट मीटर का आपका रहता है जैसे कि एमीटर, ये वोल्ट मीटर रहता है इनफिनिटी टाइम रेजिस्टेंस रहता है, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। एमीटर हमेशा पैरेलल में रखता है, सॉरी वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में रखता है, एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है, ये ध्यान रखना। तो आपने देख लिया जैसे एमीटर है कैसे लगाना है, एमीटर अगर करंट ड्रॉ करना है तो हमको सीरीज में किसी फेज में हम सीरीज में लगा देंगे। और कुछ बच गया है और आपको कुछ पता करना है, देखिए एक चीज़ हमने मिस कर दिया है, जो एलईडी हमने बोला था, जो एलईडी कहाँ पे लगाना है, जैसे कि वो वाला हमने नहीं बताया, उसका कंट्रोल सर्किट नहीं बताया। जैसे कि हमारा कौन सा एलईडी हमको चाहिए, एक चलिए एलईडी, एलईडी का सिंबल ये हो गया, एलईडी का दो टर्मिनल हो गया, एक टर्मिनल हमने न्यूट्रल को दे दिया, ये हो गया रेड, ये हो गया आपका ग्रीन, ठीक है, और एक हो सकता है हमारा जिसको हम येलो भी बोल सकते हैं, येलो वाई से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, इसको भी हम न्यूट्रल देना है, तो न्यूट्रल बस के साथ हमने डायरेक्ट दे दिया। इसका जो फेज आएगा कैसे देंगे, इसको हमको ड्राइंग से लेना है। जैसे कि रेड का मतलब हो गया मोटर रनिंग है, मतलब होता है ये मोटर रनिंग है, मतलब होता है कॉन्ट्रैक्टर पीक है, ये कॉन्ट्रैक्टर अभी होल्डिंग पोजीशन में है, तो होल्डिंग पोजीशन में अगर लेना है इसका ही ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्ट से आपको इसका देना पड़ेगा, मतलब ये मेन कॉन्ट्रैक्टर का, जैसे कि मेन कॉन्ट्रैक्टर है, मेन कॉन्ट्रैक्टर का आपको एनो कॉन्ट्रैक्ट से आपको लेना पड़ेगा, एनो ये ओपन कॉन्ट्रैक्ट से आपको लेना पड़ेगा। मोटर आपको जब चलेगा ये कॉन्ट्रैक्टर जब टच हो जाएगा दोनों में, ये भी टच हो जाएगा तो ये वाला इंडिकेशन जल जाएगा, तो इसको हम फेज से हम सप्लाई दें, सप्लाई तो यहाँ तक रहेगा लेकिन ये पूरा थ्रो नहीं होगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर हमारा पिक नहीं है, मेन कॉन्ट्रैक्टर का। तो जैसे ग्रीन देना, ग्रीन मतलब हो गया मोटर अभी ऑफ पोजिशन में है, ऑफ का मतलब हो गया ग्रीन, मतलब मोटर रनिंग नहीं है, ये ग्रीन सिग्नल दे रहा है। तो मोटर अगर रनिंग नहीं है तो हमको इसका क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टर का जो है एनसी कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा, एनसी मतलब दोनों टच रहेगा, टच जब रहेगा तब ये देखिए सप्लाई ग्रीन जलता रहेगा, दोनों में टच है, टच मतलब क्या है, जब कॉन्ट्रैक्टर चलेगा ये क्या है टच हट जाएगा मतलब ग्रीन हट जाएगा, तब रेड टच हो जाएगा, रेड जलने लगेगा। और एक हो सकता है जैसे येलो कॉन्टैक्ट है, येलो जैसे वाला एलईडी है, येलो एलईडी मतलब हो गया मोटर ट्रिप कर गया, मतलब मोटर ओवरलोड पे ट्रिप कर गया, ये जो हमने ओएलआर लगाया था एक टाइप का रिले है ओएलआर का सिग्नल, इसका भी ऑक्सिलरी जो कॉन्टैक्ट होता है एनसी रहता है, एक एनओ रहता है, तो इसका भी जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है ये आपको बता देगा कि मोटर ट्रिप हुआ है, वो इंडिकेशन पता देगा। इंडिकेशन कैसे देंगे हम, उसका भी एक जो होता है उसका हम एनओ ले लेंगे, यहाँ पे एनओ कॉन्टैक्ट लेके उसको हम फेज से जोड़ देंगे, ये फेज है हमारा, ये फेज से जोड़ देंगे। न्यूट्रल तो देखिए सारे कॉमन मिल रहा है, न्यूट्रल को हमने बस से जोड़ दिया है, न्यूट्रल को देखिए हमारा सारे बस से जोड़ दिया, तो हमारा जो है ये कब जलेगा, ये वाला ओएलआर जब हट जाएगा, ओएलआर जब पिक करेगा, मतलब मोटर जब ओवरलोड हो जाएगा, मोटर ऑटोमेटिक एक पावर कट कर देगा, मोटर प्रोटेक्शन देगा, ये पावर कट कर देगा, ये जब पावर कट कर दे उसी टाइम क्या है ये इसका भी पोजीशन चेंज कर देगा, ऐसे ये एनओ है ये एनसी हो जाएगा, ये एनसी है एनओ हो जाएगा, तो इसका हम क्या करेंगे, इसका एनओ वाला पार्ट लेंगे, जब ये मोटर आपको ओवरलोड होकर ट्रिप हो जाएगा तब ये भी टच हो जाएगा और ये आपका सिग्नल लाइट आपका देगा येलो सिग्नल,
तो येलो सिग्नल जैसे एलईडी कैसे दिखता है वो भी आपको दिखा दे कैसे होता है। ये देखिए जैसे ये रेड वाला एलईडी है, जो रेड वाला एलईडी हमने बताया था ये रेड, इसका भी देखिए दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल में आपको न्यूट्रल में देना है, हमने बताया था जैसे ये टर्मिनल है ये न्यूट्रल में देना है, और एक टर्मिनल आपको एक मेन कॉन्ट्रैक्टर का जो थ्रू हो गया इसमें देना है। ऐसे ग्रीन बताया था, जैसे कि ग्रीन भी बताया था, जैसे ग्रीन का भी सेम होता है, एक टर्मिनल हम न्यूट्रल में देंगे और एक टर्मिनल उसका वहाँ पे देंगे, और एक होता है येलो, लेकिन येलो वाला हमारा नहीं है, जैसे कि एक दूसरा एलईडी हमारा है इसका भी कनेक्शन सेम होता है, इसका देखिए एक्स और एक्स वन और एक्स टू है, इसका भी सेम है। तो आपको होप आपको सारे क्लियर हो गए होंगे, तो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और एक चीज़ आपको हम दिखा दें लास्ट में, जैसे कि हमारा ये आपका जैसे हमने बताया कि फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ को अगर चेक करना है, अगर मल्टीमीटर से चेक करना है कैसे चेक करें, अगर चेक करना है तो मल्टीमीटर को पहले से ही आपको कंटिन्यूटी में डालना पड़ेगा, रेजिस्टेंस कंटिन्यू में डालना पड़ेगा। देखिए आपको साउंड हो रहा है कुछ, और रेजिस्टेंस कितना दिखा रहा है 1.3, सेम चीज़ यहाँ पे भी होना चाहिए। ये दोनों में टच किया कितना साउंड नहीं आ रहा है, मतलब ये वाला फ्यूज ख़राब है, मतलब ये फ्यूज ख़राब हो चुका है। अगर इसमें अगर कंटिन्यूटी आ रहा है तो देखिए चलेगा, साउंड आ रहा है, और रेजिस्टेंस देखिए कितना कम हो रहा है, 2.9 इसका रेजिस्टेंस है, बहुत इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, जितना बड़ा फ्यूज रहेगा उसका रेजिस्टेंस बहुत कम रहेगा, 0.2, 0.5, 0.6। तो यही लास्ट था, तो आपको होप समझ में आ गया होगा ऐसे ड्राइंग कैसे ये होता है, इलेक्ट्रिकल पावर जो ड्राइंग है डॉल स्टार्टर का ड्राइंग है आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन और एक चीज़ हमने बताना भूल गए, मेन हमारा जो है आपको किसी भी अगर आपको फॉर क्या बोलते हैं प्रोफेशनल लाइन पे आप जब जाएंगे तो आप देखिए नॉर्मल जैसे हमने ड्राइंग बताया, ये वाला हमने जो ड्राइंग बताया ये ड्राइंग का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, आपको ये कुछ समझ में नहीं आया। प्रोफेशनल लाइफ पे ड्राइंग ऐसा होता है जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है दूर से देखने में, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड उतना है नहीं। आपको अगर जैसे नॉर्मल पहले जैसे बताया वैसे अगर आपको पता चल गया होगा तो आपको वैसा कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं लगेगा। जैसे हमने बताया था पावर सर्किट, इसमें देखिए पावर और कंट्रोल इसमें दोनों है, लेकिन क्या है बहुत सारा इंटरलॉक है, बहुत सारा प्रोटेक्शन है इसमें, क्या है थोड़ा देखने में इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन आपको मैं आसानी कर देता हूँ। देखिए ये पावर सर्किट हमने बताया था, पावर सर्किट में देखिए क्या बताया था, फ्यूज कॉन्टैक्टर ओएलआर, यहाँ पे भी देखिए पावर सर्किट फेज थ्री फेज जो हमने बताया था थ्री फेज बस, यहाँ पे देखिए फ्यूज़, ये फ्यूज़ का देखिए फ्यूज़ का दो सिंबल होता है, मैंने यहाँ पे भी लिखा रखा था, यहाँ पे देखिए ऐसा भी लिखते हैं कभी कभी ऐसा भी होता है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला सिस्टम का भी यूज़ किया है, लेकिन इसको फ्यूज़ के साथ साथ देखिए कॉन्टैक्ट भी यूज किया है, ये थोड़ा अलग सिंबल है, इसको बोलते हैं हम एस ए फ्यूज, चलो ये छोड़ दीजिए लेकिन समझ लीजिए फ्यूज़ है, समझो। उसके बाद देखिए एक Q20 लिखा है, थोड़ा और भी सामने करेंगे तो आपको पता चलेगा, देखिए आपको Q20 है, मतलब एक Q मतलब कॉन्टैक्टर, 20 एक नाम दे दिया ठीक है, जैसे कि कॉन्टैक्टर है। उसके भी नीचे देखिए K80 बोल के क्या है, K80 मतलब हो गया OLR, इसका भी देखिए OLR, OLR के भी देखिए मैंने क्या बताया था ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट 95, 96, 97, 98, ये भी देखिए यहाँ पे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हमने यूज़ किया था ठीक है। तो हो गया पावर कॉन्टैक्ट, और भी क्या चल कहाँ पे चला गया, देखिए मोटर पे एम पे चला गया, यहाँ पे हमने क्या किया था मोटर में एम। तो देखिए पावर सर्किट आपको क्लियर ही हो गया, अभी देखते हैं कंट्रोल सर्किट क्या है। कंट्रोल सर्किट में हमने क्या देखा था, ये देखिए नॉर्मल हमारा कंट्रोल सर्किट था, ऐसे कंट्रोल सर्किट था, ये देखिए पूरा कंट्रोल सर्किट आपको दिख रहा है, सेम चीज़ इसमें दिखना है। ये देखिए जैसे कि कंट्रोल सर्किट ने हमने क्या बनाया था, एक बस बनाया था, ये देखिए ऊपर वाला एक बस है और ये देखिए नीचे वाला एक बस है, ऊपर वाला का एक फेज ले लिया है, नीचे वाला का भी एक न्यूट्रल है, न्यूट्रल के जगह यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर यूज करके उसको वोल्टेज कम कर दिया, दो ही फेज ले लिया, दोनों का डिफरेंस आपको 110 या 220 हमको ऐसा मिलेगा, वो अलग अलग ड्राइंग के हिसाब से अलग अलग है। ये देखिए दो फ्यूज़ है, हमने भी फ्यूज़ लिया था, देखिए फ्यूज़ ले लिया है, और ये देखिए जैसे स्टार्ट होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, K80 से इसने स्टार्ट किया है, K80 का NC कॉन्टैक्ट लिया है,
KT मतलब हो गया आपका ओयलर का, जैसे ओयलर का NC कॉन्टैक्ट हमने भी देखिए ओयलर का NC कॉन्टैक्ट लिया था, जो कि हम थोड़ा बाद में लिए थे, यानी कि पहले ले लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, डिजाइन के ऊपर है, आपके ऊपर है। तो डिजाइन के देखिए NC कॉन्टैक्ट लिया, ये भी NC कॉन्टैक्ट लिए थे हमने। उसके बाद क्या लिए, स्टॉप पुश बटन, यहाँ पे देखिए हमने स्टॉप पुश बटन लिया है। यहाँ पे देखिए ये सप्लाई आ रहा है, सप्लाई आ रहा है, ये देखिए फ्यूचर इंटरलॉक बोल के लिखा है, मतलब इसमें कोई नहीं है, बाद में आप इंटरलॉक लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए और भी चला गया इसमें, देखिए स्टॉप पुश बटन, ये LPB लोकल पुश बटन, तो ये सेम चीज़ बटन, ये आपका लोकल में रहेगा। देखिए कहीं कहीं जगह क्या होता है, मोटर देखिए 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर से भी आप मोटर ऑपरेट कर सकते हैं, तो इसलिए क्या होता है, जहाँ पे मोटर है वहाँ पे भी एक स्टॉप के लिए देता है, और जहाँ से आप कंट्रोल कर रहे हैं वहाँ से भी एक कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए क्या है 2 स्टॉप पुश बटन दिया हुआ है यहाँ पे। और जो आपका PLC देखिए स्टॉप कमांड PLC से भी आप देख सकते हैं। तो देखिए स्टॉप के लिए 3 स्विच दिया हुआ है, हमने स्टॉप के लिए एक ही दिया है, वो अलग अलग डिजाइन के हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक बस बना दिया है, देखिए एक स्विच दे दिया, लोकल रिमोट और टेस्ट स्विच, जिसको बोलते हैं सिलेक्टर स्विच, S13, कोई दिक्कत नहीं, नाम से कोई मतलब नहीं है, S13। इसमें भी देखिए S13 लोकल में लिखा है, टेस्ट में लिखा है T, लोकल में लिखा है L और रिमोट में लिखा है R। इसमें हम जैसे यहाँ पे अगर बास हो गया है, इस बास को हमने अगर लोकल में टेस्ट में सिलेक्ट किया, से टेस्ट वाला सर्किट ऐसे जाएगा, यहाँ से जाके देखिए Q1 जा रहा है, Q1 का NC कॉन्टैक्ट लिया हुआ है। यहाँ पे टेस्ट बटन के लिए एक टेस्ट का एक बटन दिया हुआ है, तो टेस्ट के लिए बटन दे, उसको टेस्ट दबा देंगे तो ये वाला देखिए कॉन्ट्रैक्टर का जो मैंने बताया ये सप्लाई इधर से आ जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्टर का A1 और A2 Q20 यहाँ पे जो बताया था, ये वाला देखिए Q20 मेन कॉन्ट्रैक्टर का सप्लाई, देखिए फेज ऊपर से मिल गया और न्यूट्रल का देखिए बस में आ जाएगा, ये देखिए सप्लाई यहाँ से आते हैं, यहाँ तक आ गया मेन जो है न्यूट्रल का, तो बस से कनेक्टेड है, देखिए सेम ही है, लेकिन आपको लोकल में चालू करना है, टेस्ट तो नहीं करना, लोकल में करना है। तो लोकल में चालू करने के लिए दुकान देखिए लोकल में सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे आ गया सप्लाई, यहाँ से देखिए Q20 का एनो कॉन्टैक्ट लिया हुआ है, जो हमने बताया था Q20 का एनो कॉन्टैक्ट, ये देखिए होल्डिंग कॉन्टैक्ट जिसको बोलते हैं, जब ये टच हो जाएगा NC बन जाएगा, कब टच होगा, जब इसको चालू करेंगे मेन कॉन्टैक्टर, जब ये मेन कॉन्टैक्टर जब ये पीक होगा, सॉरी ये मेन कॉन्टैक्ट ये वाला मेन कॉन्टैक्टर जब पीक होगा, ये देखिए होल्डिंग कॉन्टैक्ट लिया हुआ है, और होल्डिंग कॉन्टैक्ट ये स्टार्ट कमांड कहाँ से देंगे हम, PLC से भी देख सकते हैं, ये देखिए स्टार्ट कमांड देने के लिए दो टाइप का, एक PLC भी दे सकते हैं, ये हम पुश बटन से भी दे सकते हैं। PLC के देने के लिए PLC धोके आएगा, वो एक बहुत बहुत मुश्किल बात, जो हम रिमोट से कर सकते हैं, वो वाला हमने पार्ट लिया नहीं, चलो कि हम लोकल में कर रहे हैं, तो लोकल में करने के लिए हमको स्टार्ट पुश बटन मैनुअली करना पड़ेगा। तो उसके बाद चला गया, ये देखिए सप्लाई चला गया, ये बस कनेक्ट हो गया, ये बस चला गया, ये देखिए ये वाला बस, ये वाला K1 का 43 और 44 जो कॉन्टैक्ट लिया हुआ है, जो कि है एनो कॉन्टैक्ट, K1 हो गया, K1 अगर देखना है, देखिए K1 अगर कुछ जगह समझ में नहीं आ रहा K1, तो यहाँ पे देखिए 27 लिखा है, 27 का मतलब होता है नंबर, अगर देखना है K1 27, ये देखिए 27, ऊपर देखिए नंबर कहीं जगह लिखा है 21, 22, 23, अलग अलग देखिए इसमें एक टाइप का एक बैनर बना हुआ है, देखिए पैरेलल में 20, जैसे 26 हो गया, ये वाला पोर्शन को हम पूरा बोलेंगे 26 पोर्शन 7 अगर करना है तो ये वाला सेक्शन में आपको दिख जाएगा। तो K1 जो है कहाँ से पता चलेगा, ये 27 से पता चलेगा, 27 ये है, चलिए 27 में K1 मतलब कॉन्ट्रैक्टर कहाँ से है, 27 में ये देखिए K1 कौन सा है, K1 हो गया आपका, ये देखिए लिखा है रेडी टू स्टार्ट, आपको दिख रहा होगा रेडी टू स्टार्ट वाला बटन है, रेडी टू स्टार्ट मतलब हो गया है आपको एक टाइप का इंडिकेशन है, मोटर स्टार्ट करने के लिए रेडी है या नहीं, सारे अलर्ट है या नहीं, तो इसका एक आपको इंटरलॉक लिया हुआ है, तो इंटरलॉक आकर रेडी टू स्टार्ट है, मतलब फीडर अंदर है, सारे प्रोटेक्शन ओके है, ये सब चेक करने के लिए रेडी टू स्टार्ट वाला कॉन्टैक्ट लिया हुआ है, तो इसको हमेशा ये जब अंदर ही रहेगा रेडी टू स्टार्ट वाला पिक रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला इंटरलॉक प्रोटेक्शन आके हमको देखिए पूरा कहाँ से आ रहा है, वही जगह आ रहा है आपका कॉन्ट्रैक्टर का सामने जो A1 A2 है उसी में आ रहा है। तो आपको होप दिख रहा होगा,
सेम चीज है। और एक चीज है देखिए, इंडिकेशन के लिए ग्रीन, ट्रिप का इंडिकेशन के लिए रेड, ऐसा और एक है ग्रीन रेड, ऐसा इंडिकेशन दिया हुआ है। ये देखिए Q20 से कहाँ से लिया ग्रीन, Q20 मतलब कॉन्ट्रैक्टर का NC कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है ग्रीन, हमने भी लिया था कॉन्ट्रैक्टर का NC कॉन्ट्रैक्ट, और रेड के लिए कॉन्ट्रैक्टर का NO कॉन्ट्रैक्ट, और इंडिकेशन के लिए ट्रिप इंडिकेशन है OLR का NC कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये भी देखिए ट्रिप का इंडिकेशन के लिए OLR का NO कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी OLR का NO कॉन्ट्रैक्ट लिया था, यहाँ पे देखिए OLR का NO कॉन्ट्रैक्ट, NC नहीं, यहाँ पे NO कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, वो K80 मतलब OLR, ये देखिए K80। तो बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, होप आपको समझ में आया होगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है, और इसी तरह वीडियो देखते रहिए, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।